मैं नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी का चेयरमैन हूँ और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि आने वाले जो अपकमिंग डेज में, आने वाले दिनों में 24 जनवरी को होटल ऑर्चिड में नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 ये हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इस विषय में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी, इनका पहला अवार्ड शो, अवार्ड फंक्शन मुंबई में सहारा स्टार होटल में 24 जनवरी 2021 को हुआ था। पहला इवेंट हमने मुंबई में किया, दूसरा इवेंट हमने गोवा में किया, फिर एक तीसरा इवेंट हमने पुणे में किया, चौथा इवेंट हमने गुजरात में किया, पांचवा इवेंट फिर से हम मुंबई आए। मुंबई कर के जो प्यार है उसके लिए, दुलार के लिए मुंबई आए। ऐसे टोटल हमने आज तक 10 इवेंट किए हैं। और हमारे अगर आप पास्ट अवार्डी देखेंगे, पास्ट अवार्डी में हमारे जो हमारे भारत के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जो भाई है प्रहलाद भाई मोदी, ये हमारे पास्ट अवार्डी है। धनराज पिल्ले हमारे पास्ट अवार्डी है। जरीन खान हमारे पास्ट अवार्डी है। मंदिरा बेदी हमारे पास्ट अवार्डी है। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर भी हमारे कुछ पास्ट अवार्डी हो चुके हैं, जो कि दिल्ली के इवेंट में हमने कुछ सेंट्रल मिनिस्टर को भी दिए थे, जिनमें मैं अगर बोलूँ तो आपको जॉन बारला साहिब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है माइनॉरिटी में, उसके बाद में फग्गा सिंह कुलस्ते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टील में है। ऐसे बहुत सारे लोगों को दिए, कुछ एम्बेसडर्स को दिए हमने, कुछ काउंसिल जनरल को दिए जो अलग अलग कंट्री से आते हैं। तीसरा से ये हमारे पास्ट अवार्डी थे। अब मैं यहाँ पे जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गेस्ट अतिथि हमारे पास आए हैं, मैं उनको आपको उनका परिचय देना चाहता हूँ। ये मेरे बगल में जो बैठे हैं, ये साहब का नाम है जितेंद्र भल्लाड़कर साहब, पुणे से आते हैं। ये टेंसो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके मालक है और हमारे जो अपकमिंग इवेंट है नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 उसके ये को पावर्ड भाई है। इन्होंने हमको बहुत मदद किया, ये आज हमारे साथ में है। हमारे जो बैठे हैं डॉक्टर दीपक साहू साहब, जो हमारे पास्ट अवार्डी भी रह चुके हैं, इनको कौन नहीं जानता है, तो इनको तारीफ भी करना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये पास्ट अवार्डी भी रह चुके हैं। सदगति सोशल फाउंडेशन के साथ में हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस इवेंट को हम सदगति सोशल फाउंडेशन जो एनजीओ है, उस एनजीओ के जो डॉक्टर दीपक साहू साहब जो है, उस एनजीओ के फाउंडर चेयरमैन है। सदगति सोशल फाउंडेशन इन्वेंशन में काम करती है, बहुत सारे जगह पे इन्वेंशन के काम के चल रहे हैं। सब प्रोसेस में आने वाले दिनों में आपको सारा चीज मालूम पड़ जाएगा। हमारे साथ में डॉक्टर उपासना हलवाई, जो हमारे पास्ट अवार्डी रह चुकी है, सुहाई लर्निंग एकेडमी एक कंपनी की वो फाउंडर चेयरमैन है, और टेंसो जो हमारा को पावर्ड बाई है वहाँ पे ये को फाउंडर भी है। हमारे साथ में डॉक्टर जोशुआ इमैनुअल, जो कि नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी के सेक्रेटरी है, ये भी हमारे साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। और हमारे पास में द ग्रेट एमिनेंट साइंटिस्ट मिस्टर माधव सावंत, ये भी हमारे साथ में है। इनके बहुत सारे इन्वेंशन ऑलरेडी है और इनके कुछ इन्वेंशन मेडिकल फील्ड में भी काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ये था इन सभी का परिचय। अभी आप जो मुझसे सवाल करेंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस बार कौन कौन है सर, इनको कुछ बताएंगे? इस बार कौन-कौन है अपकमिंग गेस्ट नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी 2023 में जो 24 जनवरी को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके अपकमिंग गेस्ट है ईशा कोपीकर, सोली खान जो सैफ अली खान साहब की बहन है वो आ रही है, दलेर मेहंदी साहब, जो हम लोग ये टेंटेटिव गेस्ट बता रहे हैं आपको, दलेर मेहंदी साहब आ रहे हैं, कैप्टन गोपी शेट्टी साहब आ रहे हैं जो इंडिया स्काउट, जो सिख स्काउट है उनके प्रेसिडेंट है, वो भी आ रहे हैं, कैप्टन मानिक आ रहे हैं जो उनके एक एकेडमी जो पायलट बनाते हैं, ये बहुत अच्छे आदमी कैप्टन मानिक, जो बचपन से गरीब से आके हुए एक आदमी कैप्टन बना और आज लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, सभी को ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो भी इस अपकमिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गेस्ट है, सेलिब्रिटीज है, जो आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ता रहेगा कि इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। कुछ सेंट्रल मिनिस्टर भी इस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। दुबई से शेख मजीद आ रहे हैं, जो रूलर है दुबई के, वो आ रहे हैं, दू अब्दुल्ला, ऐसे बहुत सारे गेस्ट आपको इस बार देखने के लिए मिलेंगे। और ये प्रोग्राम थोड़ा हटके होगा क्योंकि ये हमारी दूसरी वर्षगांठ है, मतलब 2 साल नेल्सन मंडेला को 24 जनवरी में जहाँ से सफर चालू किया था, 2 साल नेल्सन मंडेला अवार्ड एकेडमी को हो जाएंगे। चंद्र भल्लाड़कर है और मैं टेंचो एजुकेशन सिस्टम चला रहा हूँ, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैंने देखा है कि नेल्सन मंडेला का जो काम चल रहा है, पीस अवार्ड, नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड का जो काम चल रहा है वो सोशल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ पर जैसे कि अनाथ बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और कैंसर के जो लोग हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो
सोशल में बहुत जरूरी है ये मैं समझता हूँ। तो जब भी नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड्स का जो भी आगे काम चलता रहेगा तो हमेशा मैं इनके साथ सपोर्ट में रहूँगा, ये मैं एक बार। और मुझे अच्छा लग रहा है कि फील हो रहा है कि ये काम अपने सोशल में हो रहा है, तो कंटिन्यूसली मैं जैसे अवार्ड करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये करना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर अगर सपोर्ट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है हमारा जो 24 जनवरी को 2023 ऑर्किड होटल में, उसमें सर को भी हम अवार्ड से नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2023 से सर को भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। वो देखकर हम हर समय प्रेरित होते हैं और नेल्सन मंडेला ने आज तक जो जो काम किए हम ये खुद सुने भी हैं, देखे भी हैं। उसके साथ साथ आकृति लाइफ फाउंडेशन जो मैं खुद उसका संस्थापक हूँ, उसमें भी वो हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जो बच्चों को हॉस्टल में हेल्प करते हैं। तो विविध जो प्रोग्राम्स और कार्यक्रम जो होते हैं वो केवल सिर्फ एक प्रमोशन नहीं पर उसके ज़रिए बहुत सारे सोशल वर्क और बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो लोग का चेहरा कोई जानते नहीं है उन लोगों को उस तबके से उठाकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आकर उस जगह पर उनको अवार्ड देना, उनको डॉक्टरेट देना, ये एक सम्मानित बात है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इनोवेटिव किए हैं, पर उन्हें वो प्लेटफॉर्म, वो जरिया उनको नहीं मिला। पर आज मैं बहुत खुश हूँ इस नेल्सन मंडेला के साथ में जुड़कर, जो ये काम जो डॉक्टर राजकुमार साहब कर रहे हैं उसके साथ में सहकर्मी बनकर करने में मुझे आज बहुत आनंद है। उसकी पूरी बदबू वगैरह निकल जाएगी, पेड़ के नीचे सब करते करते मुझे ऐसा लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो देश के लिए कुछ करना चाहिए तो मैंने इसके ऊपर सोचा और कुछ इनोवेशन करने का मेरे दिल में दिमाग में आ गया। गए साल 21 को ताक साहब ने नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मुझे दिया। मैं डॉक्टर नहीं था लेकिन मुझे डॉक्टर बना दिया गया। तो बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर और भी थोड़ी जिम्मेदारी आई है और मुझे और अच्छा काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमने कुछ 11 इनोवेशंस किए। वो 11 इनोवेशंस गरीबों के लिए है, जितने गरीब है उन लोगों के लिए है। लोग करते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस करते हैं, 2-4, 5-50, 100-200 इन लोगों के लिए करते हैं, एक संस्था के लिए करते हैं, दूसरी छोटी संस्था के लिए करते हैं। हमारा इनोवेशन है पूरे देश के लिए, पूरे देश के गांवों के लिए। तो ऐसा इनोवेशन करने के लिए अवार्ड मिलने के बाद टाक साहब ने जो मुझे अवार्ड दिया है और नेल्सन ने मुझे जो इज्जत दी बख्शी है, इसके लिए मुझे ऐसा बार बार लगता है कि नहीं, देश के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा। और इसके लिए ये मैंने जो इनोवेशंस किए हैं, मैंने छोटा सा ब्रीफ करता हूँ आपको। आदिवासी इलाकों में थोड़ा बहुत होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ज़्यादातर रोड नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ हम चाहते हैं, हमारी जो सदगति सोशल फाउंडेशन जो है, वो सदगति सोशल फाउंडेशन के तरफ से हम एक 20 एकड़ का, जैसे ये टेबल है 20 एकड़ की टेबल है, तो उसमें हम क्या करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो रोड देना चाहते हैं, रोड देने के बाद उनको पानी देना चाहते हैं, उसके बाद में पानी के बाद उनको लघु उद्योग देना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चरल देना चाहते हैं, ऐसे अनेक उसमें ये है। और लघु उद्योग जो है वो 80% गाँवों में लघु उद्योग, जो लघु उद्योग इधर झोपड़पट्टी में होते हैं, और झोपड़पट्टी में आपको किसी को मालूम नहीं, आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ उनको, कोशिश करता हूँ वो लोग क्या क्या बनाते हैं। और वो सारी के सारी चीज़ें वो गाँवों में बनेगी, आज तक गाँवों में नहीं, शायद चाइना में थोड़े से घरों में बनता है, गाँवों में नहीं बनता है, घर एक 2-4 घरों में, 2-4 घरों ऐसा बनता है। लेकिन हमने सोचा
कि गांवों में ये पूरा के पूरा बने, और वो गांवों के लोगों को सबसे पहले तो हम उनको उधर रोड लाइट पानी गैस सब देने के बाद उनको घर हम फ्री देना चाहते हैं हमारी संस्था की तरफ से। तो 100 आदिवासी फैमिलीज को हम घर फ्री देंगे। हम इस एकेडमी के साथ अब लाइफ टाइम जुड़ के रहेंगे, ये हमने डिसीजन लिया है। टेंटो सोई दोनों जो है इस एकेडमी का एक हिस्सा बन चुके हैं, कि इस सामाजिक कार्य में जो इनका योगदान है उसमें हमें अपना एक छोटा सा योगदान करना चाहते हैं हमेशा। दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान में लोगों को शिक्षा देने का जो एक कारवा शुरू किया, उसी के साथ साथ हमारे साथ आदरणीय ज्ञानंद सरस्वती स्वामी जी जो है जुड़े हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कारवा शुरू करना है जो कि नासिक से शुरू होने जा रहा है, अखंड भारत यात्रा। ये कितने साल चलेगी, कितने महीनों चलेगी हम कह नहीं सकते, लेकिन इस यात्रा का एक उद्देश्य है जिसमें हम गांव-गांव जाकर रहकर लोगों की पत्रिका देखेंगे, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। वो क्यों देखी जाने वाली है, उसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे देश में से कई महान लोगों ने जन्म लिया है, जिनका जन्म हुआ है और उसके बाद उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये बाय बर्थ ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ ऐसा ज्ञान लेकर आते हैं जो अपने देश के लिए अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो हम उन बच्चों की तलाश के लिए ये अखंड भारत जो हमारी यात्रा है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग हमारा साथ दें, और बहुत जल्दी नासिक शहर महाराष्ट्र से ये यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए मैं आप सभी जितने भी हमारे यहाँ आदरणीय लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी को आज ही आप सबसे मतलब विनम्र आप लोगों का आदर करते हुए कहूँगी कि आप सभी हमारी इस यात्रा के साथ हमारा इस यात्रा का एक पात्र बने। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी द्वारा प्रस्तुत नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड जो अब तक कम से कम 7 स्टेटों में हो चुका है, इसका उद्देश्य इसके पीछे का कारण यही है कि जो भी लोग इस अवार्ड को लेते हैं उससे हम खाली एक विनती करते हैं कि जो हमारे काम है, जो हमारा सोशल वर्क है, जैसे आकृति लाइफ फाउंडेशन उनके अनाथ आश्रम है जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको शनिवार को खाना दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे 500 से 1000 लोगों को दिया जाता है, किसी को ऑपरेशन है, ऐसे पूरे साल भर में देखिए होता है क्या कि हमारा बोलना ये है कि अगर आप राइट हैंड से दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को मालूम ना पड़े, तो वो सारे प्रूफ तो मैं यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, लेकिन साल भर नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी जो एनजीओ है ये लोगों की मदद और सहायता के लिए ये सारे काम को करता है। इसमें आपका ये अवार्ड किस तरह से अलग होगा, क्या अलग? सर, नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी प्रस्तुत नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड जो है इसकी गरिमा एकदम अलग है, और अच्छे शुद्ध और अच्छे जो कैरेक्टर के लोग और अच्छे लोग बड़े लोग इस अवार्ड फंक्शन में आते हैं। आप लोगों ने सबने देखा है कि जितने गेस्ट हम लोग लेके आ जाते हैं उतने गेस्ट शायद किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं आते। लालचन लगता है कि सब अवार्ड बिकते हैं, ये होता है, देखिए सर अभी लोगों ने लांछन लगाया तो वो लोग जाने, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सर इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी, मैं खुद एग्जांपल हूँ यहाँ पर जी। मैंने कुछ ऐसे लोगों से सर को मुलाकात करवाई थी जिन्होंने मतलब हिंदुस्तान में रहते हुए आज तक अपनी उम्र में इतने काम किए जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने सर से उन्हें मिलाया, सर ने पूरा चेक किया कि यस ये आप जो बता रही हैं मैडम, और हमारे जम्मू का जो डॉक्टरेट अवार्ड जो नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी का जो हमारा प्रोग्राम था वहाँ पे ऐसे 2 लोगों को सर ने अवार्ड दिया है। तो ये जो अभी आपने सवाल पूछा उसमें मैं ये मतलब इसके लिए कहना चाहूँगी कि ये अवार्ड उनके लिए ही है जो उसके लिए हक रखते हैं, जिन्होंने समाज में उस अहदे पे उस लेवल पे आके काम किया है। तो बस नेल्सन मंडेला एनजीओ जो है उन लोगों को बाहर लेके आ रही है जो उस लेवल पे जाकर उस अवार्ड के सम्मान के हकदार हैं। सो इसीलिए हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम लोग हमेशा इस नेल्सन मंडेला एनजीओ के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सर। अब तक कहां-कहां हो चुके हैं आपके अवार्ड? मुंबई में 24 जनवरी, 28 फरवरी गोवा, उसके बाद में 21 जुलाई पुणे,
4 सितंबर गुजरात, फिर से 30 अक्टूबर को हम मुंबई आए, उसके बाद में 16 दिसंबर हम दिल्ली, उसके बाद में 28 अप्रैल फिर से मुंबई, उसके बाद में 11 जून जम्मू। हाँ जी, अच्छा एक छोटा सा जो मेन पंच है, हाँ जी बोलिए, वो क्योंकि पावर्ड बाय एलपी स्टोकन और उनके इंडिया है हमारे बाजू में बैठे हैं, तो ये चलाना आप लोगों को। यस यस, तो नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 जो कि 24 जनवरी को ऑर्चिड होटल में होने जा रहा है, वहाँ पे इस प्रोग्राम को पूरा जो पावर्ड किया है या जो सबसे बड़ी मदद की है वो एलपी स्टोकन ने की है। इनकी सोलर एनर्जी और बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इनके जो इंडिया हेड है डॉक्टर जोशो इमैनुअल साहब हमारे पास बैठे हैं, तो एलपी स्टोकन को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। को पावर्ड बाई टेंसो सुहाई, इनको भी धन्यवाद, और आप सब मीडिया के लोग जो आए, मैं हाथ जोड़ के आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।